हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, यह पार्क का कॉस्ट कितना पड़ रहा है बनाने में, या यह पार्क किस मिनिस्ट्री के अंडर में बनाया जा रहा है, ये बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सारे हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा था, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट लम्हेता में बनाया जा रहा है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। और ये पार्क बनाने के लिए किसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश सिंह द्वारा 30 जनवरी को अनाउंस किया गया था। और जियोलॉजिकल पॉइंट व्यू से लम्हेता विश्व के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। जियोलॉजिकल पॉइंट व्यू से, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लम्हेता विश्व के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है जियोलॉजिकल पार्क के लिए। और यह मध्य प्रदेश स्टेट में राज्य में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज बाय हुम हैज द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया हैव बीन अप्रूव्ड। भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को किसके द्वारा अनुमोदित दिया गया है, या आप इसे बोल सकते हैं किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क को। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत के पहले पार्क को अप्रूव किया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1851, 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। आज से अप्रोक्स 170 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में मिलेगा। GSI का हेडक्वार्टर मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और करंट में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो राजेंद्र सिंह गरखाल, ये करंट में GSI के डायरेक्टर जनरल हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल करंट में राजेंद्र सिंह गरखाल हैं। और भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क का अप्रूव GSI द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इज बींग बिल्ट अंडर विच मिनिस्ट्री। भारत का प्रथम भूवैज्ञानिक पार्क किस मंत्रालय के अंडर में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या खनन मंत्रालय के अंदर में भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। और करंट में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मंत्री कौन है, तो करंट में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या खनन मंत्रालय के करंट में मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। तो इनके अंडर में भारत का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। और जैसा भी डिस्कस किए थे कि इसको अप्रूव GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया था, और बट इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में बनाया जा रहा है इस पार्क को। नेक्स्ट इज हाउ मच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंडिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्क। भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को बनाने के लिए कितने पैसा खर्च किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 35 करोड़। 35 करोड़ भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क को बनाने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 35 करोड़। और ये पार्क कितने एकड़ में बनाया जा रहा था, ये पार्क 5 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें 35 करोड़ पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और ये 5 एकड़ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर द डायनासोर फॉसिल्स फ्रॉम दिस एरिया इन द ईयर 1828। 1828 में इस क्षेत्र से डायनासोर के जीवाश्म की खोज किसने की थी। 1828 में डायनासोर के फॉसिल की खोज किसने की थी जबलपुर में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है विलियम हेनरी सिलीमन। विलियम हेनरी सिलीमन ने 1828 में डायनासोर फॉसिल की खोज की थी जबलपुर में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस भी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो रिकोगनाइज लम्हेता एज ए जियो हेरिटेज साइट। किस संगठन ने लम्हेता को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को ने लम्हेता को जियो हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर यूनेस्को। और यूनेस्को के बारे में बेसिक जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। 1945 में यूनेस्को का फॉर्मेशन स्थापना हुआ था 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। फ्रांस के कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा यूनेस्को का। और लम्हेता को यूनेस्को द्वारा जियो हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर यूनेस्को ने यह रिकॉग्नाइज। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।